नमस्कार, इस वक्त हम मेहंदीगंज में रामलीला मैदान के पास मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ भीम हैदर जी मौजूद हैं और ये हर साल भंडारे का आयोजन करते हैं। और अभी हम बातचीत करते हैं भीम हैदर जी से, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में महान दिव्या गिरी जी मौजूद हैं। आइए हम बातचीत करते एक ऐसा सामाजिक सौहार्द का स्थल है लखनऊ के लिए। आज हम सब के लिए कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाई की जाती है, जो हिंदू धर्म का मेन पर्व है। जैसे नवरात्रि है, इस वर्ष पे दुर्गा चढ़ते हैं, गलत है, अगर कोई मुस्लिम वर्ग का कोई एक व्यक्ति अन्य उसको भजन कराता है, तो ये एक अलग अनोखी और बहुत अच्छी बात है हम सब लखनऊवासियों के लिए, क्योंकि हम एज ए गेस्ट बोलते हैं समय भाई के लिए। समय भाई बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से और लगन से भोजन में सहयोग करते हैं, उनके सारे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, अन्य लोगों के लिए भी भंडारे की व्यवस्था करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अनूठी बात है। तो जब भी उनका आग्रह होता है यहाँ पे उनके आवास में आने के लिए आते हैं, तो अपने करते हैं, तो और हम हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि वो हमें अजय भोजन के लिए बुलाते हैं। हम कई वर्ष से इस चीज के साक्षी है कि अगर कोई अलग तो कर सकते हम बार बार प्राप्त होते हैं, बार बार ये बात कही जाती है कि आप लगातार कराती है, अलग धर्म के लोग आगे इतने बढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है, उसे सीखना चाहिए। समय इंदर भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद कि वो इस तरह के कार्य को करते हैं, जहाँ पे एक मिसाल बनती है, एक पहचान बनती है, जो हमारे पूरे लखनऊवासियों के लिए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे हम अभी और चलते हैं। प्रोग्राम करते हैं जो कन्या जल्दी करते हैं, और आज कन्या पूजन के दौरान जो है कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करके प्रोग्राम किया जा रहा है, उसी से हम बातचीत करते हैं। ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं 11 साल कोई भी मजहब का अनुसार भगवान जो पूछे और कुरान की आयत में सभी के मुसलमानों के लिए इसमें है कि लखन जी बन गया, तुम्हारा दिन हमारे साथ मेरा दिन मेरे साथ, कोई मजहब नहीं बदला जा रहा है, और इंसानियत का पैगाम है कि आप दिल से आते रहते हैं, एक तरह के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कोई घर नहीं है, इंसान है। हमारे साथ मान का चयनी जी हैं, जिन्होंने सामाजिक मुद्दे को लेकर पूरे देश में कई काफ़ी स्थानों पर भ्रमण किया है, और जो अपने महिला होकर एक अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष भी करते हैं, और आज हम साथ में हमारे मित्र हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और आगे भी कर दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आप जो है आपका क्या उद्देश्य था जो आप सामाजिक मुद्दों पर आपने ध्यान दिया और भारत भ्रमण कर दिया? मैं समझती हूँ कि जब तक कि इश्यूज को सिर्फ दूर से देखा जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये परेशानियाँ हैं, और उसके लिए जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, उसके लिए कुछ किया नहीं जाएगा, तब तक वो अपने आप ठीक नहीं हो सकता। तो उसे टैकल करना, उसे फेस करना और लोगों में जन जागृति पैदा करना, यही मेरा एक उद्देश्य है, यही मतलब। बाकी सब कुछ भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला से चल रहा है, और जैसा वे चाहते हैं वैसा ही होता है। तो मैं भी उनका ही एक चलाया हुआ पात्र हूँ और मैं अपना पात्र निभा रही हूँ। सर, महिला को क्या आपने अपने जीवन में बहुत लंबा संघर्ष किया, ये आप कब से करते हैं? मैंने 2013 में महाकुंभ में पढ़ा था, तब से करता हूँ। 2016 में संन्यास किया। संघर्ष नहीं कहूँगी इसको, मैं इसको यही कहूँगी कि जो भगवान ईश्वर की मर्जी है, मैं अपने जीवन में उन कुछ लोगों को जिनको राहत की जरूरत है,
उनकी अगर कोई भी मदद कर सकूँ किसी भी तरीके से, चाहे वो धन से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो भक्ति से हो, चाहे वो प्रेम से हो, चाहे वो अपने वचनों से हो, तो वही मेरा करने का प्रयास है। अभी तक आप किन किन प्रदेशों में जा चुके हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रदेशों में हमने किया है। अभी हमारा पूरा फोकस गुजरात में है। हमारा पूरा भ्रमण जो भारत भ्रमण का ही है, पर एक एक प्रदेश को हम। भ्रमण के दौरान आप क्या क्या उद्देश्य आपका रहता है और क्या क्या जो है समाज के लिए आप? भ्रमण के दौरान जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि समाज में प्रेम हो, शांति हो और धर्म की पुनर्स्थापना हो, झगड़े विवाद किसी प्रकार के ना हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुओं की भावना राम मंदिर से जुड़ी हुई है, और चाहे वो मुस्लिमों के संरक्षण का सवाल हो। मैं ये समझती हूँ कि अगर मुसलमान सच्चा मुसलमान हो जाए और हिंदू सच्चा हिंदू हो जाए और ईसाई सच्चा ईसाई हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी धर्म में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि दो धर्म सब अपने अपने धर्म को माने, सब एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि सभी धर्म प्रेम सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं। कोई भी ये तो नहीं कहता कि तुम गलत करो, सभी सत्य की राह पे चलने की सीख देते हैं, सभी प्रेम में चलने की सीख देते हैं। तो अगर आप अपने धर्म का पालन करें और सभी धर्मों का सम्मान करें तो कोई झगड़ा कभी नहीं होगा। धर्म कभी ये नहीं होता कि मैं हिंदू, धर्म की लड़ाई कभी मुसलमान के साथ नहीं होती या धर्म की लड़ाई कभी हिंदू के साथ नहीं होती। धर्म की लड़ाई जब भी होगी अधर्म के साथ ही होगी। धर्म अधर्म का दुश्मन है, धर्म ना कभी हिंदू का दुश्मन। आज जो भंडारे का प्रोग्राम किया है, इसमें आप कैसे क्या करना चाहते हैं और ये कब से किया जा रहा है? मैं सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत अपनी ओर से शहर कांग्रेस की ओर से कत्यायनी जो कत्यायनी कुटुंब महान उनका स्वागत करूंगा, जिन्हें प्रेम पुराणों पे कमांड है। ऐसे संत पुरुष का मैं पहले अपने शहर कांग्रेस की ओर से इस लखनऊ की धरती आज कल भी भंडारा लखनऊ का अपनी जो गंगा जमुना तहसील है, लखनऊ की जो परंपरा है उसका पालन शंभुभाई करते हैं। आप समझ लीजिए एकता का प्रतीक है शंभुभाई। मुस्लिम धर्म से अनुयायी हैं लेकिन माँ भगवती पे उन्हें पूर्ण विश्वास है और दुर्गा का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, माँ दुर्गा का उनकी ओर से भंडारा होता है। और मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ जो शंभुभाई विगत 20 वर्ष से कह रहे हैं, आज हिंदू और मुस्लिम्स को इसकी समान आवश्यकता है। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, समूह जैसा करेंगे तभी देश और समाज आगे बढ़ेगा। मैं स्वागत करता हूँ कात्यायनी देवी का, इसलिए करता हूँ कि कात्यायनी देवी जी महान के रूप में समाज सुधार का काम कर रही हैं। और आप इतना ही समझ लीजिए कि जो मैं कहा करता हूँ अक्सर अपने साथियों के साथ, जब कोई व्यक्ति अपना धर्म जान जाएगा तो वो दूसरे धर्म का सम्मान स्वतः करने लगेगा। कात्यायनी जी विद्वान हैं, ये जानती हैं कि हिंदू साकार रूप की पूजा करता है और मुस्लिम साथी जो हमारे इबादत करते हैं वो अल्लाह ईश्वर एक है निराकार रूप की पूजा करते हैं। मैं शंभू भाई उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा और ऐसे मान जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को, धर्म पे जो आडंबर फैलाया जा रहा है उसके विरोध में हिंदुस्तान का भ्रमण कर रही हैं, ऐसी देवी के दर्शन पाके मैं अपने को धन्य पाता हूँ। मैं उनका बार बार उनका नमन करते हुए लखनऊ की धरती पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ये कौन सा, ये जो है भंडारा करवाया जा रहा है, इससे पहले भी भंडारे ये भंडारा मैं समझ रहा हूँ शंभू जी 20 साल से लगातार इस भंडारे कर रहे हैं और माँ शक्ति इनको माँ शक्ति दिए हुए। और ये सारे शंभु भाई जितना मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं उतना ही हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए शंभु जैसे व्यक्तियों की वजह से ही हिंदुस्तान में लखनऊ की गंगा जमुनी तहसील बरकरार है। धन्यवाद। लखनऊ की गंगा जमुनी तहसील को लेके यहाँ पर हर वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ थे कांग्रेस शहर अध्यक्ष, अभी हमारे पास